एक क्वेश्चन ऑफ मोशन बाय ग्राफ, पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन ऑफ मोशन हमें आती है या नहीं आती। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ, तो पहले मैं इक्वेशन बता देता हूं, देख लो भाई सबको आती है या नहीं आती। फर्स्ट इक्वेशन में लिखता हूं v इज इक्वल टू u प्लस 18। यहां v का क्या मतलब है? वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? अभी लिखना नहीं बेटा, मैं छोड़ दो, पहले सुनो मेरी बात को आराम से। v का मतलब वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। और u का मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a का मतलब क्या है? एक्सीलरेशन। एक बार मैं चेक कर लूं रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही। हो रही है, ठीक है। मैं कभी भूल जाऊं तो याद दिला दूं। सॉरी, v इक्वल टू u प्लस 80। t कौन है हमारा? टाइम। टाइम, ठीक बात है ना? बढ़िया। मैं चाहता हूँ सारे वेरिएबल पहचान लोगे कौन किस वेरिएबल का क्या मतलब है। दूसरा हमारा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी। ठीक है, यहाँ पे s का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला है, डिस्टेंस नहीं बोला। नोटिस करना, डिस्प्लेसमेंट। कोई बात नहीं, वो स्केलर फॉर्म में लिखवाया होगा, मैंने वेक्टर फॉर्म लिखी है। यस सर, उन्होंने वो नहीं लगाए थे वेक्टर। हाँ, मैं वेक्टर में सिखाना चाहूँ क्योंकि अब नाइन्थ वाली बात नहीं ना बेटा, नाइन्थ में तुम लोग स्केलर फॉर्म पढ़ के आए हो, अब इलेवेंथ में तो वेक्टर से क्वेश्चंस बनेंगे, इसलिए भाई वेक्टर फॉर्म सिखाना चाहता हूँ। देखना ध्यान से, थर्ड इक्वेशन देखना। वी डॉट वी इज इक्वल टू यू डॉट यू प्लस टू ए डॉट एस। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है। सिंपल अगर तुम कहोगे लिख दो तो मैं लिख दूंगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब इसको पहले नोट कर लूं फिर आगे डिस्कस करते हैं। कोई वेरिएबल में कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लो, जो नहीं पहचान पा रहे। फिजिक्स का एक बहुत सिंपल रूल है, मैं जो हर क्लास में तुम लोग याद दिलाता हूँ, फर्स्ट टू मंथ्स पढ़ो सब कुछ कवर हो जाएगा। अगर फर्स्ट टू मंथ्स ध्यान नहीं दोगे तो फिर आगे फिजिक्स पकड़ में नहीं आती। इसलिए इंपॉर्टेंट बात है कि भाई अभी तक हमने सिर्फ एक ही चैप्टर करा, राइट? यूनिट्स एंड डायमेंशन, तो आप बस पकड़ते जाओ। 3, 4, 5, 6 करो, उसके बाद फिर दोबारा रिविजन करेंगे, तो जिसका जो छूट गया फिर करेंगे उसको कवर करेंगे। हाँ मैं करूँगा। अभी देखो हम लोगों का इस साल प्रॉब्लम क्या है ये समझो ना बेटा, इस साल प्रॉब्लम ये कि तुम लोगों का रिजल्ट बहुत लेट आया है क्या? हर साल सितंबर में फर्स्ट टर्म हो जाता है जिसमें 8 चैप्टर्स आते हैं। यस सर, तो मुझे समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मुझे पता नहीं कि तुम लोग स्कूल के एग्जाम्स कब होंगे और कितना सिलेबस आएगा, तो मैं पहले चाहता हूँ थोड़ा सा कोर्स हम कवर कर लेंगे। सर आपने टेस्ट होंगे ना, मतलब फर्स्ट टर्म में कह रहा हूँ तो एक बार हम सिलेबस कवर कर ले अपना, कि भाई एग्जाम की टेंशन ना रहे कि भाई आगे चैप्टर से ज्यादा वेटेज के है ना, 10 मार्क्स या 15 मार्क्स, आगे चैप्टर ज्यादा मार्क्स के बेटा। जी बेटा, तो इंपॉर्टेंट बात है कि पहले एक बार चैप्टर कवर कर लेते, उसके बाद फिर जब डाउट क्लास लगाऊंगा तो जिसका जो भी चैप्टर छूटा हुआ है सारा कवर करेंगे या रिविजन कराऊंगा। ठीक है सर, आपने क्वेश्चन याद कर लो भाई सब लोग। हाँ बेटा बोलो। सर आपने टेस्ट में हाफ ही चैप्टर दिया था ना सिर्फ डायमेंशंस वाला पार्ट। थोड़ा माइक के पास बोलो, बहुत धीमी आवाज आ रही है। सर आपने टेस्ट में भी हाफ ही दिया था ना, हाफ चैप्टर डायमेंशंस वाला, एरर्स वाला नहीं था। एरर्स वाला इसलिए अभी नहीं दिया क्योंकि एरर्स वाला सीबीएसई से हटा दिया गया है, तो एक बार एरर का मैं अलग से टेस्ट बना दूंगा, सीबीएसई में नहीं है, सिर्फ कॉम्पिटिटिव में है। ठीक है, ओके सर, मैं बता दूंगा कि अगला टेस्ट किसका होगा। तो पहले ये क्वेश्चन समझ में आती है सबको? v इज इक्वल टू यू प्लस 80, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये क्वेश्चन याद करनी है सबको। ठीक है, जल्दी से नोट करो फिर आगे डिस्कस करते हैं। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, मतलब आज की क्लास है तुम्हें थोड़ा एप्लीकेशन समझ में आएगा फिजिक्स का।
क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो नहीं बेटा लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग भी छूट गई है, मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया। नॉर्मली मैं हमेशा रिकॉर्ड करता हूँ, लास्ट टाइम कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, उस नेटवर्क की प्रॉब्लम में मैं छूट गया। क्वेश्चंस कर पाए थे, क्वेश्चंस कराए थे फर्स्ट, कौन से प्रोजेक्ट था? हाँ फर्स्ट क्लास में जो पढ़ाया था उससे क्वेश्चंस कराए थे। कौन सी क्लास में हमने 20 बस अभी अभी स्टार्ट हुई, पहला पेज लिखा है सर, ये जो लास्ट में आपने 20 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस। बेटा थोड़ा मुझे आवाज बहुत धीमी आ रही सबकी। सर मैं ये कह रही थी जो लास्ट में आपने 20 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax लिखा, उसमें हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है या फिर वेक्टर है वो भी? मतलब दो तरीके से यूज होता है बेटा, स्केलर में भी यूज होता है और वेक्टर में भी यूज होता है। तो अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, जैसे थर्ड इक्वेशन ध्यान से देखो, थर्ड इक्वेशन को मैंने दो फॉर्म में लिखा है क्या? यस सर वही पूछ। नोटिस करो तो मैं तुम लोगों को दिमाग में ये बात डालना चाह रहा हूँ कि जो नाइन्थ में तुम पढ़ते हो क्या उसका एक्सटेंडेड वर्जन है क्लास इलेवेंथ, तो सेम चलेगा या थोड़ा हायर लेवल पे चलेगा? तो अगर तुम नाइन्थ में होते तो मैं कौन सी इक्वेशन बताता तुम्हें, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, सिंपल वाले क्वेश्चन बनते हैं। पर मैं आज क्या सिखाना चाहता हूँ, वी डॉट वी इज इक्वल टू यू डॉट यू प्लस 2a डॉट s, यानी इसके अंदर मैं थोड़ा वेक्टर का कॉन्सेप्ट डाल रहा हूँ। तो ये अभी नहीं समझ में आएगा, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब तुम्हें क्लैरिटी आएगी कि मैंने ऐसा क्यों बोला। ठीक है, जब मैं कोई चीज बताता हूँ ना, दैट इज नॉलेज, कि आपको फॉर्मूला बताया, दिस इज योर नॉलेज, फिर मैं क्या इन पे क्वेश्चंस करवाऊंगा, वो तुम्हारी स्किल्स बनाते हैं। जितना तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम्हारी स्किल्स उतना इंप्रूव होती जाएगी। खाली अगर तुम रीड करते रहोगे तो स्किल्स डेवलप होंगी या नहीं होंगी? हो सकता है हो जाए बट थोड़ी बहुत। बट अगर तुम क्वेश्चंस बना रहे हो तो क्वेश्चन जब भी बनाओगे दो चीजें होंगी, या तो तुम सही करोगे या गलत करोगे। सही करा तो वेल डन, और गलत करा तो सीखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या गलती हुई। तो इलेवेंथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, क्वेश्चंस बनाओ। जो भी चीज मैं लिख रहा हूँ ये तो बुक में मिल जाएगी, बट जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो टॉपिक के हिसाब से चलते हैं, जो तुम बोलोगे उसके हिसाब से क्वेश्चन बदलते जाएंगे। तो क्वेश्चन तो मैं डायनेमिक बनाता हूँ ना, क्लास में बैठ के क्वेश्चन बनाता हूँ, ऐसा तो नहीं कि इस बुक का ही क्वेश्चन करेंगे, किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन फॉलो कर लेंगे। तो थ्योरी पढ़ोगे तो उससे तुम्हें नॉलेज मिलेगा, फिर नॉलेज अगर तुमको है फॉर्मूले का तो मैं उस पर क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन से क्या होगा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट इंप्रूव होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं एक केस बताता हूँ, सुनना था सब लोग ध्यान से और बोलना सही कह रहे हो या नहीं। एक कार 50 किलोमीटर पर आवर से चली जा रही है तो 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस चलेगी? 100 किलोमीटर। कौन सा फॉर्मूला लगाया? बात नहीं करो बेटा, सुनो मेरी बात को ध्यान से, नहीं बाद में नहीं समझ में आएगा। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, परफेक्ट। सही बात बोली, मैंने एक एग्जांपल दिया, एक कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली जा रही है तो 2 आवर्स में कितना चलेगी? 100 किलोमीटर। तो तुमने एक बेसिक फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब सुनना ध्यान से, मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक कार है जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रही है। नोटिस करो, एक कार है जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रही तो 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगी? सिर्फ मैं फॉर्मूला जानना चाहता हूं, आंसर नहीं। क्या फॉर्मूला दिमाग में? एक कार थी रेस्ट पे, उसको मैंने एक्सेलरेट करना शुरू करा, एक्सेलरेटर पे पैर लगाया गियर बदलकर, तो यह ऑटोमेटिक कार है, बस एक्सेलरेटर पे पैर रखा तो क्या स्पीड बढ़ेगी कार की? तो मैंने बोला जो मेरे पास कार है उसका कुछ एक्सेलरेशन है, मान लो 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक, तो 10 सेकंड के बाद वो कितना डिस्टेंस चलेगी या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो वो तो एक्सेलरेशन होगा, मैं तो डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, जो तुमने बोला वो सही है बेटा, बट यहाँ नहीं लगेगा। सेकेंड फॉर्मूला, वेरी गुड, सेकेंड फॉर्मूला लगेगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ पे स्क्वायर। अब ये पहचाना कैसे है? ठीक है, तो नोटिस करो, पहले फर्स्ट एग्जांपल में मैंने क्या बोला था, एक कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही 2 आवर्स तक, तो क्या कांस्टेंट वेलोसिटी थी? तब तुमने बोला था डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम है, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी चलेगा जब वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेट हो रहा तो ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। तो कोई फॉर्मूला कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा, ये दोनों बातें पता होनी चाहिए। सही बात है ना भाई, एक फॉर्मूला कहाँ अप्लीकेबल है कहाँ नहीं अप्लीकेबल है, दोनों बातें पता होनी चाहिए, वो क्वेश्चन से आता है।
दूसरा केस मैंने क्या बताया, एक कार एक्सेलेरेट हो रही है जिसका एक्सेलेरेशन है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब एक्सेलेरेशन सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। बट ये फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ तभी चलते हैं जब एक्सेलेरेशन कॉन्स्टेंट हो। इसका मतलब अभी एक थर्ड केस ही बनाऊंगा क्या, जहां पे एक्सेलेरेशन कैसा हो जाएगा वेरिएबल, तब वहां पे ये फॉर्मूले चलेंगे या फेल हो जाएंगे, तब ये फेल हो जाएंगे। तो सारा मैं एक साथ बताऊंगा या धीमे धीमे कराऊंगा? धीमे। सबसे पहले मैंने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताया, ठीक। आज मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे देखो मैं क्लियरली लिख दे रहा हूँ, फॉर कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन, लिख लो भाई साफ साफ। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कब लगाना, जब एक्सेलेरेशन क्या हो, कॉन्स्टेंट। इक्वेशन ऑफ मोशन ब्रैकेट में डाल दो, फॉर कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन, फॉर एग्जाम्पल। मैं आइडिया देता हूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या तुम लोग एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझते हो? यस सर। जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो अगर एक ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो करा 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कॉन्स्टेंट है या नहीं है? है, तब तो ये फॉर्मूले लग जाएंगे। अब मैंने रॉकेट को फायर करा अर्थ से मून के लिए, अब एक रॉकेट अभी 300 किलोमीटर हाइट पर है, तब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ और बताओ, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है, अर्थ का जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 9.8 रहेगा या थोड़ा कम हो जाएगा? सही बात बोली। yes. तो क्या वहां पर वेरिएबल एक्सेलेरेशन है? सोचो मेरी बात। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती जाएगी, बहुत दूर चले जाओगे तो अर्थ का इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये मैंने किस चीज का एग्जाम्पल दिया, वेरिएबल एक्सेलेरेशन, जहां पर एक्सेलेरेशन बदल रहा है, तब वहां ये तीनों फॉर्मूले अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा? नहीं करूंगा। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तुम्हारे दिमाग में सही आइडिया आना चाहिए। तो पहले मैं कहता हूं तुम्हारे दिमाग में आइडिया आना चाहिए, गलत आ रहा कोई दिक्कत नहीं, पहले तुम्हारे दिमाग में आइडिया आना चाहिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद। फिर विद टाइम आफ्टर 2-3 मंथ्स तुम्हारे दिमाग में गलत आइडिया ज्यादा आएंगे या सही आइडिया ज्यादा आएंगे? अभी तो बस आइडिया आना चाहिए, अभी फर्स्ट 2 मंथ्स कहता हूँ आइडिया आना चाहिए, ये करके देखो, ये करके देखो, जो मन में करके देखो। आफ्टर 2 मंथ्स तुम्हारी थॉट चैनलाइज होनी चाहिए कि अच्छा अब थोड़ा सा दिमाग में क्लैरिटी है कि इसको ऐसे लगा कर देखते हैं। तो दिमाग में सबसे पहली बात है आइडिया आना चाहिए, फिर उस आइडिया को फिल्टर करना है, सही आइडिया आना चाहिए। अगर सही आइडिया आ गया तो बस तुम्हें सिर्फ क्या करनी है, प्रैक्टिस करके अपना मैथमेटिकल पार्ट इम्प्रूव करना है कि कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो, ठीक बात बोली। तो राइट आइडिया एंड राइट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस किस लिए, जैसे तुम्हें आइडिया जल्दी जल्दी आए और सही आइडिया आए और मैथमेटिकल मिस्टेक ना हो, दैट्स इट, काम हो जाएगा हमारा। किसी भी एग्जाम की यही स्ट्रेटजी है, आपको नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज के बाद प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से स्किल्स आएंगी, जितना प्रैक्टिस करोगे दिमाग उतना जल्दी सही चीज को पकड़ेगा। और एग्जाम में चाहे सीबीएसई हो चाहे कॉम्पिटिटिव हो, सब जगह सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सही आइडिया आया या नहीं आया क्वेश्चन पढ़कर। क्वेश्चन सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में, अभी तुम्हें कहता हूँ आइडिया आना चाहिए, गलत आ रहा कोई बात नहीं, बट विद टाइम धीमे धीमे हम यूज टू हो जाएंगे क्या? कुछ तुम पहली बार सुनते हो तो बड़ा भयंकर लगता है, क्या बता के चले गए, फिर उसको दोबारा करते हो तो ठीक ठीक लगता है, तीसरी बार में जाकर पकड़ आती है कि अच्छा अपने आप दिमाग में आइडिया आता है। तो पहली बार में किसी के दिमाग में आइडिया नहीं आता कि ये ऐसे करो हो जाएगा, प्रैक्टिस से आता है। तो राइट आइडिया लाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी इनिशियल लेवल पे मैं क्या कह रहा हूँ, आइडिया पकड़ो, दिमाग में कुछ ना कुछ तुम्हारे आना चाहिए। तो अगर ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आती हो तो आगे बताऊँ मैं, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए। सारे वेरिएबल पहचान लिए, v कौन है फाइनल वेलोसिटी, टर्म पे ध्यान देना, u कौन है इनिशियल वेलोसिटी, a कौन है, अब इसके ब्रैकेट में क्या लिखना चाहता हूं मैं, कांस्टेंट। लिखो अपनी कॉपी में, ये फॉर्मूला तभी लगाओगे जब एक्सेलेरेशन क्या हो, कांस्टेंट, कांस्टेंट। t कौन है, टाइम, ठीक है, यस सर, ठीक है। अब देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूं आज की क्लास में, आज की क्लास का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ, ठीक है, देखते हैं। अब पेन छोड़ दो, पहले सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, पहले सुनते हैं।
क्या सबको टाइम एक्सिस दिख रही है? yes. क्या सबको वेलोसिटी दिख रही है? वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लिया, एक्स एक्सिस पे टाइम लिया। मैं चाहता हूं बस सब लोग देखो ध्यान से, क्या ग्राफ दिख रहे हैं? yes. इस ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी कौन है हमारी? यू। ठीक, फाइनल वेलोसिटी कौन है? वी। इनिशियल टाइम कितना है? जीरो। थोड़ी देर बाद टाइम कितना है? टी। कोई दिक्कत? क्या मैंने ट्रायंगल बनाया है? यस सर। देखना ध्यान से, मैं क्या क्या बातें और जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ क्या इस डायग्राम में तुम लोगों को वी दिख रहा है? yes, कितना है? yes. ये पूरा वी है, राइट? है ना, नेमिंग कर देता हूँ कुछ, ए बी सी। तो ए सी कितना है हमारा? टी। वेरी गुड, सही है। सी बी कितना है? सी बी बहुत बढ़िया। पहचाना तुम लोगों ने? yes, देख लो भी ध्यान से, कैसे पहचाना ये V minus U है? O A कितना है? देखा सबको? ठीक है, तो C T कितना है? वो भी तो U होगा, है ना? T B कितना है? T B B, तो B C कितना है? B minus U। ठीक बात बोली? यस सर। क्या थीटा दिख रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना, ये आज से कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप, ब्रैकेट में लिख दिया, जिस चीज को मैं स्लोप कह रहा हूँ सिंपल शब्दों में वो टैन थीटा, जिसको तुम 10th क्लास में 10 थीटा बोलते थे, उसको 11th में मैंने फैंसी वर्ड में क्या वर्ड लिख दिया? स्लोप। इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप गिव्स एक्सीलरेशन। तभी नोटिस करा क्या कॉन्सेप्ट है? जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ आए, यहां से ध्यान रखना, उसका स्लोप हमेशा क्या देगा? एक्सीलरेशन। जिसको मैं स्लोप बोल रहा हूँ सिंपल शब्दों में, उसका मतलब मैंने 10 थीटा बोला है। ठीक है, 10 थीटा या स्लोप की बात है। क्या सबको ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है? देख लो भाई। ठीक है, टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। सही बात है। और आज हमने देखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टैन थीटा एक इक्वल होता है, ए मतलब एक्सेलेरेशन, राइट? अब देखो ट्रायंगल को, अब बताओ टैन थीटा को क्या लिखूं? v minus u by t, very good, perpendicular v minus u a और base t, cross multiply कर सकता हूँ? yes sir। at किसके equal आ गया? तो u left में आकर u plus at तो नहीं बन जाएगा? yes sir। तो क्या हमने first formula बना लिया v equal to u plus at? yes sir। बनाओ तुम लोग भी जल्दी से, पकड़ लो, बनना भी चाहिए। टॉपिक का नाम क्या है? equation of motion by, इसका हम इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने की कोशिश कर। सीबीएसई में क्या फायदा है? डेरिवेशन आएगी। कॉम्पिटिटिव में क्या फायदा है? इससे न्यूमेरिकल बनेगी। डेरिवेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बहुत ही डेरिवेशन से कॉन्सेप्ट बनते हैं। डेरिवेशन का मतलब है फंडामेंटल ऑफ टॉपिक, उस टॉपिक का फंडामेंटल थॉट क्या है वो समझ में आता डेरिवेशन से। इसलिए हमेशा डेरिवेशन को बहुत ध्यान से देखना है, यहां से तुम्हारी अप्रोच डेवलप होगी। कॉम्पिटिटिव में ग्राफ आएंगे, वहां पे काम आएगा कॉन्सेप्ट। और किसी क्वेश्चन को क्लास में सॉल्व करना और टेस्ट में सॉल्व करना सेम बात है या फर्क आ जाता है? फर्क आ जाता है। महसूस हुआ ना कि जो चीज मैंने क्लास में कराई अगर वही चीज सेम टेस्ट में दे दी तब भी 100% मार्क्स नहीं आते, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ उनको बार बार सॉल्व करो, एटलीस्ट 3 times, फिर ग्रिप आएगी, फिर तुमसे गलतियां नहीं होंगी। और एग्जाम में टाइम भी तो फैक्टर होता है, यू हैव टू सॉल्व विद इन अ टाइम फ्रेम। ऑन एन एवरेज यू हैव 1 minute और मैक्सिमम 2 minutes फॉर ईच क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 minutes मैंने बड़ी यूज करा है, ऑन एन एवरेज 1 minute। तो प्रैक्टिस के साथ तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी को भी कंट्रोल करना है, जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जाती है। जितना प्रैक्टिस करोगे
उतना मिस्टेक होने के चांसेस कम होंगे। आराम से शांति से बस करते जाओ, 2 मंथ्स में तुम्हें दिखेगा कि मैंने क्या करा है। बना दो स्ट्रेट लाइन में कोई दिक्कत नहीं, जब कर्व पाता का तब तब वेक्टर काम आएगा। स्ट्रेट लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे स्केलर में सॉल्व करो चाहे वेक्टर में, वन डायमेंशन में चले जा रहे हो, जब डायरेक्शन बदलेगी तब वेक्टर का रूल आएगा। तो मेरा मैं जो सिखाता हूँ, मैं थ्योरेटिकल सिखाता हूँ या प्रॉब्लम्स के थ्रू सिखाता हूँ? प्रॉब्लम, तो मैं मुझे कोई चीज सिखानी होगी ना, मैं प्रॉब्लम्स बनवाऊंगा, प्रॉब्लम के थ्रू सिखाऊंगा कि देखो ये ऐसे होता है, वो एप्लीकेशन सामने दिखता है तो जल्दी समझ में आता है। खाली थ्योरी पढ़ लोगे तो नहीं विजुलाइज होता, उस थ्योरी के साथ साथ प्रॉब्लम भी सामने दिखनी चाहिए। जैसे मैंने बहुत क्लियरली बोला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप हमेशा क्या देगा? एक्सीलरेशन। ये बात कभी भी नहीं बदलेगी, दुनिया इधर से उधर हो जाए ये बात नहीं बदल सकती, ध्यान रखना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप हमेशा एक्सीलरेशन देगा। और स्लोप का मतलब मैंने सिंपल शब्दों में क्या बोला है? टैन थीटा। सारे क्वेश्चन मैंने आज तक इसी से बनाए, ग्राफ वाले। तो बेसिक बात पकड़ो, अगर एक बार बेसिक पकड़ लिया ना, किसी भी बुक का कुछ भी क्वेश्चन उठाओ बनने लगेगा अपने आप। बेसिक पे ध्यान देना, अगर सबका बन गया हो तो आगे बढ़े। yes. ठीक है, चलो आगे देखते हैं, किसी का रह गया हो तो बता दूं। ठीक है, मैं उस ग्राफ को दोबारा बना रहा हूं। ठीक है, इस ग्राफ में सबको यू दिख रहा है ना? यस सर। ग्राफ हमारा ए से कहां तक जा रहा है? बी तक। टाइम जीरो दिख रहा है, टाइम टी दिख रहा है। क्या इस ग्राफ में वी को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तुम लोग? यस सर। ठीक है, बी टू सी कितना गैप है? इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? और ए टू सी? अब मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुम लोगों को इसमें कुछ ट्रायंगल दिख रहा है? और रेक्टेंगल दिखा ना, रेक्टेंगल और ट्रायंगल दिखना चाहिए। जब मैं लिखता हूँ तो तब सुना करो ध्यान से। ठीक है, अब मैं कॉन्सेप्ट 2 सिखा रहा हूँ, और ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, मतलब कभी भी फेल नहीं हो सकते, हमेशा ही लगेगा, कभी नहीं फेल होगा। कॉन्सेप्ट 2 है, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया गिव्स डिस्प्लेसमेंट। सब लोगों ने नोटिस करा? मैंने बताया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब भी एरिया निकालोगे तो वो क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। एरिया विथ साइन मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ समझाता हूँ। ठीक है, क्या हमें ग्राफ दिख रहा है? हम लोग क्या निकालना चाहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या मुझे लिखना पड़ेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल लिखा तुम लोगों? यस सर। प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या हमारा? एस। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखूंगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखूंगा? हाफ बेस इनटू हाइट। आई होप सबको ये फॉर्मूले पता है। यस सर। ठीक है, अब ये बताओ इस रेक्टेंगल में लेंथ कितनी दिख रही है? मैं किसकी बात कर रहा हूँ समझ पा रहे हो? इसकी बात कर रहा हूँ, टी। और ब्रेथ कितनी दिख रही? यू प्लस हाफ। ट्रायंगल दिख रहा है? चलो देख लो भी ध्यान से, ट्रायंगल का बेस कितना है? टी। और हाइट कितनी है? कोई दिक्कत? नो सर। अभी अभी हमने प्रूव करा वी किसके इक्वल होता है? तो क्या मैं v माइनस u को रिप्लेस कर सकता हूँ? yes. ठीक है, s हो गया t इंटू यू, तो u इंटू टी भी तो कह सकता हूँ। yes, sir. प्लस हाफ t, इस v माइनस u को मैंने रिप्लेस कर दिया, क्या लिख दिया? a t। तो क्या हमारा फॉर्मूला बन गया? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। बढ़िया, नोट करो। पता नहीं, देखते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ाया जाए उसको टाइम दो, उस टाइम अच्छे से देख लो, सोच लो, याद कर लो, क्योंकि एक बार टॉपिक डन तो डन, अभी टॉपिक दोबारा नहीं करेंगे। हाँ 9th भी था सब करवाया। हाँ बेटा ऐसा है, अभी और एक्सटेंड होता जाएगा, देखते हैं ना। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ क्या तुम लोगों को? बिल्कुल बेसिक से, मान के चल रहा हूँ तुमको कुछ नहीं आता, अब मैं सब कुछ बताता जा रहा हूँ। आता है तो बहुत अच्छी बात है, सुनते जाओ, तुमको तो और इंटरेस्टिंग लगना चाहिए कि हाँ सब आता है। धीमे धीमे बस लेवल बढ़ता चला जाएगा। ये तो मैं भी तुम्हें क्या दे रहा हूँ, नॉलेज। फिर मैं तुम्हें क्या दूंगा, क्वेश्चन, उससे तुम्हें क्या आएगी, स्किल्स। क्वेश्चन जब मैं दूँ तब बना के देखो। अभी तो मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ, देखो ये फॉर्मूला है, ये बात है, ये बात है, ये बात है, इसको नॉलेज कहते हैं। टॉपिक का भाई तुमको नॉलेज होना चाहिए, फिर मैं इससे क्वेश्चन बनवाऊंगा। तो वहाँ एक बातें बार बार रिपीट होंगी, उस टाइम मैं पूछूंगा बताओ भाई इस ग्राफ का क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे। उस वक्त तुम्हारे दिमाग में आइडिया आना चाहिए कि अच्छा इसमें ऐसा करना है, इसमें ऐसा करना है। और जिसने स्टार्टिंग के 2-3 months ठीक से पढ़ लिए, फिर दिमाग एकदम चैनलाइज हो जाता है, फिर अपने आप सब कुछ चलता रहता है, कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप क्वेश्चन बनता जाता है। बट इम्पोर्टेंट बात है कि ध्यान से सुनो जो बताया जा रहा है, और जो भी जिसके पास बुक्स है उसको सॉल्व करो। एक बुक उठाई, जो भी टॉपिक पढ़ाया गया पूरी बुक डन, उस चैप्टर को टाइम बचा है, फिर दूसरी बुक उठा। सारा खेल तो मैनेजमेंट का ना, क्या आपको टाइम भी तो मैनेज करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उस स्पीड उतनी ज्यादा होगी, उतनी जल्दी और उतने ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। तो वो गलती मत करना जो ज्यादातर लोग करते हैं, लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, बस प्रैक्टिस जरूर करना है, ये बोलना चाह रहा हूँ। नोट्स तभी काम आते हैं जब तुमने उस पर प्रैक्टिस करी हुई है, तब वो चीज़ रिकॉल होती है एग्जाम में। तो अगर कॉन्सेप्ट 2 सबको क्लियर हो तो आगे बढ़े। तो पहला कॉन्सेप्ट मैंने क्या सिखाया, जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा क्या सिखाया बताओ। पहला कॉन्सेप्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा, स्लोप। वेरी गुड, स्लोप का सिंपल मतलब है टाइम, सही बात है। फिर दूसरा मैंने बताया वेलोसिटी इन टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये आता है समझ में? यस सर। सबको एक क्वेश्चन लो इसमें करने को। यस सर। चलो हाँ जल्दी से लिख लो बेटा, सही बात सुनना बहुत जरूरी है। एक बार तुमने सही बात पकड़ ली, मैंने कहा ना दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये दो कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप मतलब एक्सेलरेशन, एरिया मतलब डिस्प्लेसमेंट, कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलूंगा मैं इस बात को, ठीक है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, 10 तरीके से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करो, या एक तरीका पकड़ो और सारे सॉल्व हो जाए। एक तरीका पकड़ो और सारे सॉल्व हो जाए। ये ग्राफ का जो तरीका बता रहा हूँ ये 11th 12th सब जगह यही चलेगा, ये तुम्हें 12th तक काम आएगा एंड तक। जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ ग्राफ हमेशा ही लगाऊंगा मैं हर ग्राफ में, हो गया ठीक है। चलो तो मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ, देखना उस क्वेश्चन से मैं सिखाना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी 3rd इक्वेशन बची हुई है, बट मैं चाहता हूँ देख लूँ तुमने सही चीज सीखी या नहीं सीखी। जीरो 20 30 plus 40 minus 30 देख गया सकते, क्या ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, दिख रहा है सबको। मैं चाहता हूं तुम लोग मुझे क्या बताओ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फॉर 0 to 30 seconds डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर 0 to 30 seconds
displacement is 650 meter and distance is 950. हाँ बेटा दोबारा बोलना सर. डिस्प्लेसमेंट इज 650 मीटर एंड डिस्टेंस इज 950 मीटर. ठीक है और किसी का? वेरी गुड. एंड अब देखो जो मैंने पढ़ाया मैंने उसी पे क्वेश्चन दिया. सर डिस्प्लेसमेंट 650 है. ठीक है, कहते हैं थ्योरी पढ़ना अलग बात होती है, क्वेश्चन सॉल्व करना अलग बात होती है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो ही चीज मैंने सिखाई, स्लोप क्या देगा एक्सेलरेशन और एरिया क्या देगा डिस्प्लेसमेंट. ठीक है आ सकती है. और फर्स्ट पोर्शन तुम लोगों को क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल. तो इसका एरिया कैसे निकाला? लेंथ इनटू ब्रेथ. यस सर. तो क्या 20 इनटू 40 लिखा? यस सर. डिस्टेंस 800 होगा. देखते हैं पहले फर्स्ट पोर्शन का एरिया निकाल लिया रेक्टेंगल का कितना है. 800 आया सबका. अब मैं किसका एरिया निकालना चाहता हूँ? ट्रायंगल का. चलो बेटे देखते हैं ट्रायंगल का एरिया तुम लोगों क्या निकाला. हाफ बेस इनटू हाइट. बेस कितना दिख रहा है? 10. दिखा सबको 10? यस सर. 20 से 30 मतलब 10 और हाइट कितनी दिख रही है? माइनस 30. सही ना? yes, तो क्या -1. देखते हैं बेटा कितना आ रहा है. देखते हैं मुझे नहीं पता आंसर क्या. मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व करने के बाद मालूम पड़ेगा. अब ऐसा थोड़ी नहीं कि मैंने आंसर याद कर रखा है कि ये क्वेश्चन करना है. ठीक है अब देखो ध्यान से. अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट को मैं किसके को लिखूंगा? एरिया के. पहला एरिया कितना था? दूसरा वाला कितना था? इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट में साइन लेना है या नहीं लेना? लेना है. अब डिस्टेंस क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकती है? नो सर. डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती. इसका मतलब डिस्टेंस में ध्यान रखना है कि जो भी एरिया है उसमें साइन लेना है नहीं लेना? नहीं लेना. मतलब मॉड लेना है. अगर मान लो नेगेटिव आ जाए तो मॉड लेना है. 950 आना चाहिए. देख लो तुम लोगों आंसर क्या आ रहा है. ठीक है एक गैप होता है क्या थ्योरी में और न्यूमेरिकल के बीच में? महसूस हुआ या नहीं हुआ? है ना वो तो क्वेश्चंस करके ही भरता है वो गैप. वहां से क्लैरिटी आती है थॉट में. अच्छा एरिया हमेशा क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट. एरिया में विद साइन लोगे तो डिस्प्लेसमेंट. मॉड में लोगे तो डिस्टेंस. सही बात है. उसको अपनी कॉपी में जिस लैंग्वेज में अच्छा लगे लिख लो. मॉड एरिया गिव्स डिस्टेंस बट एरिया With sign gives displacement in velocity time graph. आई होप क्लियर हुआ सबको. यस सर. ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं. अब हम बात कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन की. ठीक है फिर से मैं देखो वही ग्राफ बना रहा हूं. वही ओरिजिनल ग्राफ अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाला. मैं चाहता हूं अच्छे से देख लूं. ए हमारा कौन है? मतलब इस पॉइंट पे यू. और बी का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मतलब वी कह दूं इन दोनों के बीच के टाइम को हम क्या बोल रहे हैं? टी. सही है?
फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने क्या सिखाया, स्लोप इन वीटी ग्राफ, स्लोप मींस एक्सेलरेशन, टेन थीटा और एक्सेलरेशन, वेरी गुड। दूसरा मैंने कॉन्सेप्ट क्या सिखाया, इन वीटी ग्राफ एरिया मींस डिस्प्लेसमेंट। फिर न्यूमेरिकल के थ्रू मैंने कॉन्सेप्ट क्या सिखाया, डिस्प्लेसमेंट मींस एरिया विद साइन एंड डिस्टेंस मींस एरिया विदाउट साइन, एरिया विद मॉड, हाँ या विदाउट साइन, मतलब मॉड पॉजिटिव लेना, ये बोला जा रहा हूँ। क्या मैंने उसका लॉजिक भी दिया कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नेगेटिव नहीं लेना, हमेशा पॉजिटिव लेना। ये बात समझ में आती? अब मैं क्या बोलता हूँ, नॉलेज और प्रैक्टिस के बीच में कुछ गैप होता है क्या, है ना? तुमने पढ़ लिया, सब कुछ याद कर लिया, बट जब क्वेश्चन करोगे तब तुम्हें महसूस होगा कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो क्वेश्चन कर करके समझ में आती है, अच्छा ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। ठीक, तो मैं फिर से कुछ लिख रहा हूँ, देखना सब ध्यान से क्या बताना चाह रहा हूं। मैंने लिखा है एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने ये नई बात लिखी या तुम्हें ऑलरेडी आती है, ये मानते हो ना, सबको पता है, अभी तो बताया था मैंने पीछे। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं क्या निकालूंगा, एरिया। इस बार मैं चाहता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल या एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तुम लोगों को ट्रेपीजियम दिख रहा है? Yes. देख लो भाई, ट्रेपीजियम को अगर ध्यान से देखोगे तो मुझे ए बी ओ टी दिख रहा है। अगर ट्रेपीजियम को ध्यान से देखो तो ए बी ओ टी दिखा। किसी को फॉर्मूला याद है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का? हाफ हाफ सम ऑफ parallel sides. समझ जाओगे मैंने क्या लिखा है? Into h, h मतलब height या gap, जो भी कहते हो, height कहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी sides parallel हैं? AO and BT, बढ़िया, मतलब U plus V कह सकता हूँ? Yes sir. सही है? Yes sir. Parallel side के बीच का height कितना है, मतलब gap कितना है? T. कोई दिक्कत? फर्स्ट इक्वेशन में हमने सीखा था वी माइनस यू किसके इक्वल होता है? इंटीग्रिटी। तो क्या मैं टी को वी माइनस यू बाई ए कह सकता हूँ? ठीक है ना? अच्छा, देखो ये मुझे दिख रहा है यू प्लस, तो क्या यू प्लस वी को वी प्लस यू कह सकता हूँ? यस। एक ही बात तो है, ठीक बात है ना? और टाइम को मैं क्या पुट करना चाहता हूँ? वी माइनस यू अपॉन ए, ठीक बात है। अब अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो तो ये v प्लस यू और v माइनस यू दिख रहा है, मैथ्स की याद आ गई, v स्क्वायर माइनस और जो अपॉन में 2a था उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो आई थिंक थर्ड इक्वेशन बन गई। बताओ भाई, सही बोला मैंने? अब तुम लोगों को दिमाग में एक आइडिया आना चाहिए इस क्वेश्चन को देखने के बाद कि क्या मैंने उसी कॉन्सेप्ट को दो अलग तरीके से यूज करा एरिया वाले को, और दो अलग आंसर आ गए। नोटिस करो, एग्जाम में ऐसा होगा, दोनों आंसर इक्विवेलेंट है बट देखने में अलग हैं। रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल से सेकेंड इक्वेशन बन रही है और ट्रेपीजियम से थर्ड बन रही है। तो मैंने कहा नहीं, कौन जब हम कोई चीज में डिराइव करता हूं तो बहुत ध्यान से देखना, डेरिवेशन से अप्रोच आती है, आइडिया आना शुरू होता है, उससे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। सिर्फ फॉर्मूले से अगर न्यूमेरिकल्स बन जाते तो ट्रिगों में तो फॉर्मूले सबको याद रहते हैं, सॉल्व होते हैं क्वेश्चन ट्रिगों के सारे, है ना, 50% ही सॉल्व होते हैं, बस वैसे फिजिक्स है। फॉर्मूला याद होना नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। आपको फॉर्मूला याद है इसका मतलब ये नहीं कि चैप्टर आता है, फॉर्मूला याद है मतलब क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है अगर प्रैक्टिस कर रखी है तब। अगर फॉर्मूला ही नहीं याद है फिर तो फंस जाओगे, वॉर में जा रहे हैं और गन लेके नहीं जा रहे हैं वॉर करने, फिर तो फंस जाएंगे ना। नहीं, वॉर पे जा रहे हैं तो गन को तो चेक करके जाना पड़ेगा, काम कर रही नहीं कर रही। तो एग्जाम में अगर फॉर्मूले नहीं आते फिर तो गड़बड़। एटलीस्ट बेसिक फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ ये नेक्स्ट चैप्टर में भी बहुत काम आएगा, नेक्स्ट चैप्टर में मोशन इन प्लेन में भी।
बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे, वो तो 2D है, वो भी इससे बनेगा। अगर सबको ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। अच्छा कोई बात नहीं, नोट करो। तो थोड़ा तो मैं वो अंडरस्टैंडिंग आई कि स्लोप का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, टैन थीटा, एरिया का क्या मतलब बोलना चाह रहा हूँ, ये समझ में आता है ना। कभी मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल बोलूंगा, कभी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बोलूंगा। अगर ये क्लियर हो तो मैं कुछ और ग्राफ भी सिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना। यस सर, आगे बढ़े। सब कुछ आएगा बेटा धीमे धीमे, मैं एक साथ नहीं बताता नोटिस सर, मैं धीमे धीमे लेवल बढ़ाता जाऊंगा, बस तुम पहचानते जाओ, जब मैं प्रॉब्लम्स दूं तो पहचानना मैंने क्या बात बोली, ठीक है। तो नेक्स्ट रीडिंग डालो तुम लोग, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में एक्सटी ग्राफ कहता हूँ, ठीक है। जिसको मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कह रहा हूँ तुम उसको पोजीशन टाइम ग्राफ भी कह सकते हो, ठीक है। अब ध्यान सुनना, मैं पहले कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि भाई जब भी मैं फिजिक्स में कहीं पर किसी भी चैप्टर में कोई भी ग्राफ आता है, मैं सबसे पहले दो बात सोचता हूँ, या तो उस ग्राफ में स्लोप से कुछ बात बन रही होगी या फिर एरिया से। नोटिस करा, yes, जब भी तुम्हारे पास ग्राफ आए दो बातें सोचना, या तो स्लोप या पे या फिर एरिया। 99% क्वेश्चन आज तक मैंने इसी से बनाए, 1% चांस है कुछ और लग जाए, बट 99% यही लगेगा। तो सबसे पहली बात, स्लोप का मतलब मैंने क्या बोला था, टैन थीटा, है ना। तो क्या यहाँ पर टैन थीटा वाई वाली वैल्यू अपॉन एक्स वाली वैल्यू होगी। यहाँ वाई की जगह क्या लिखा है, एक्स, वाई की जगह एक्स लिखा हुआ है, वाई एक्सिस पे मतलब, और एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है, टाइम। तो क्या एक्स बाई टी को वेलोसिटी कह सकते हैं। यस सर, बताओ भाई वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, राइट। अगर मैं कहता हूँ एरिया निकालो, इसका मतलब तुमसे मैं कह रहा हूँ एक्स इंटू टी निकालो। तो एक्स इंटू टी क्या होता है, मैं कहता ना कोई भी एक फॉर्मूला होता है तो फॉर्मूला कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा, दोनों बातें पता होनी चाहिए, ठीक बात बोली। तो मैं जानना चाहता हूँ इस ग्राफ में एरिया क्या देगा, एक्स इंटू टी, जो कि कुछ होता ही नहीं, एक्स इंटू टी कुछ नहीं होता, ठीक बात बोली मैंने। इसके अलावा इस ग्राफ में कभी भी मैं एरिया नहीं निकालूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सोचूंगा, स्लोप, ठीक बात बोली। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी इन पे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, अभी तो मैं बता रहा हूँ ना, सुनते जाना ध्यान से। मैं चाहता हूँ, क्या मैंने कोई ग्राफ वन बनाया, yes. इस ग्राफ वन में क्या खास बात लग रही तुम लोगों को, यूनिफॉर्म ग्राफ वन का एक्स जो भी था वो बदल रहा है या सेम है, सेम है। और टाइम, टाइम बढ़ता जा रहा है और एक्स सेम है, yes. क्या कुछ आइडिया आ रहा है, क्या बोलना चाह रहा हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बॉडी इज एट रेस्ट, टाइम बढ़ता जा रहा है, एक्स सेम है, एक एसी को मैं देख रहा हूँ, एक घंटे पहले भी मुझे ये दिख रहा था, अभी भी यही दिख रहा है, कल भी मुझे यही दिखेगा। इसका मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है बट एक्स नहीं बदल रहा, तो कॉमन सेंस लगाओ, क्या बोलना चाह रहा हूँ, बॉडी इज एट रेस्ट, लॉजिकल लगा। अब मैं चाहता हूँ तुम लोग ध्यान से ग्राफ टू को देखो, आइडिया आना चाहिए, मैं कहता हूँ दिमाग में, सही गलत तो ठीक है बाद की बात, ग्राफ टू को देखो और बताओ क्या आइडिया आ रहा है तुम्हारे दिमाग में। आंसर मत बोलना, पहले सोचो आराम से। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, रीजन ग्राफ टू में मुझे दिख रहा है एक्स बढ़ता जा रहा है, क्या दिखा सबको, और टाइम, टाइम तो सेम है, ऐसा तो होता नहीं है,
इसको मैं बोलता हूँ इम्पॉसिबल ग्राफ, ऐसा ग्राफ हो ही नहीं सकता। ठीक बात बोली? इसका मतलब मैं बार बार एक ही बात समझाना चाहता हूँ, कोई गिवन कॉन्सेप्ट कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा दोनों बातें पता होनी चाहिए तुम्हें। कोई एक फॉर्मूला कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा, इसके अलावा ग्राफ वन कौन है, रेस्ट, ग्राफ टू कौन है, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। ठीक बात बोली? अब देखो मैंने एक और ग्राफ बना दिया, क्या थ्री, ग्राफ थ्री में क्या दिख रहा है? मैं कभी भी आंसर में इंटरेस्टेड नहीं रहता, लॉजिक। ग्राफ थ्री में क्या दिख रहा है तुम लोगों को, क्या एक्स बढ़ता जा रहा है? Yes, sir. क्या टाइम बढ़ता जा रहा yes, है? सही, एंगल पे क्या फर्क पड़ रहा है? एंगल सेम है, तो समझो मैंने क्या हिंट दिया। अगर एंगल सेम है तो स्लोप भी तो सेम है, yes. और स्लोप सेम है, देखो मैंने क्या लिखा है, इसका मतलब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ये वेलोसिटी इज कांस्टेंट। बताओ भाई, ठीक बात बोली? yes, जब कांस्टेंट वेलोसिटी होता है तो उसको थोड़ा फैंसी वर्ड में हम लोग क्या लिखते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। समझ में? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्स बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, एंगल पे कोई फर्क नहीं, एंगल सेम तो वेलोसिटी सेम, वेलोसिटी सेम मतलब यूनिफॉर्म मोशन, कोई दिक्कत? तो फर्स्ट ग्राफ क्या मतलब था, बॉडी एट रेस्ट, सेकंड का मतलब इम्पॉसिबल, थर्ड का मतलब constant, velocity is constant. अब मैं फोर्थ ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ। सेकंड ग्राफ में हमने बेटा क्या देखा था, x बढ़ता जा रहा है और टाइम सेम। अब बताओ बिना, तुम अभी यहाँ बैठे हो, थोड़ी देर सेम टाइम पे तुम दूसरे रूम में बैठे हो, मतलब सोचो मैंने एग्जांपल सही दिया नहीं दिया, विदाउट टाइम खर्च करे तुमने अपना x बदल दिया। आई होप समझ में आया। मैं हमेशा जो भी बोलता हूँ ना बेटा, कुछ लॉजिक से बोलता हूँ, कुछ सेंस से बोलता हूँ, तो उस सेंस को पकड़ो। तुम थर्ड सीट से सेकंड सीट पे आगे बिना टाइम लगाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुमको चाहे भले ही 1 मिलीसेकंड लगे, टाइम तो लगेगा ना। ठीक है, मैं एक और ग्राफ बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इस ग्राफ में तुम लोग क्या दिख रहा है अपना आइडिया दो, फोर्थ ग्राफ में दिख क्या रहा है? क्या x बढ़ रहा है? yes, क्या t बढ़ रहा है? yes, और क्या दिख रहा है बताओ? थीटा भी बढ़ रहा है। थीटा भी बढ़ रहा है, वेरी गुड, ये काम की बात है बेटा, पॉइंट पकड़ना सीखो, थीटा भी बढ़ रहा है। देखो ध्यान से, मैं साइड में दूसरा ग्राफ बना दूं, देखना ध्यान से, मैं एक साइड में अलग से बना देता हूँ ग्राफ फोर। तो अगर ग्राफ फोर को ध्यान से देखोगे तो एंगल सेम है या ज्यादा होता जा रहा है? नोटिस करूं, क्योंकि अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अभी जब मैं क्वेश्चन दूंगा ना तब देखना तुम्हारा दिमाग कितना घूम जाएगा, क्या चल रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं, मुझे आंसर में इंटरेस्ट नहीं है, दिख क्या रहा है, दिखना तुम्हें चाहिए ग्राफ फोर में, एक्स बढ़ता जा रहा है क्या, ऊपर की तरफ जा रहा है, टाइम भी बढ़ता जा रहा है और एंगल भी, सही बात है ना। इसके अलावा ग्राफ फोर से तुम्हें क्या मालूम होना चाहिए, velocity is increasing. ये मुझे कैसे मालूम हुआ? क्योंकि एंगल बढ़ रहा है, तो अगर velocity बढ़ता है तो क्या उसको हम बोलते हैं acceleration है? बताओ भाई, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ accelerated motion? सही ना, acceleration constant है या variable मुझे नहीं पता, बस मुझे पता है एंगल बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही, वेलोसिटी बढ़ी तो एक्सेलरेशन है। एक लास्ट ग्राफ बना रहा हूं, देखना ध्यान से, ग्राफ नंबर फाइव। ग्राफ नंबर फाइव में एक्स क्या हो रहा है? एक्स तो इंक्रीज हो रहा है, एक्स तो पहले जीरो था, ध्यान से देखो जहां तक दिखता है वहां तक बोलेंगे, उसके बाद नहीं पता। कंफ्यूजन थोड़ा छोटा बना दूं फाइव को, एक्स बढ़ रहा है, टाइम
देख लो भी ध्यान से, एक्स बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, स्लोप मतलब एंगल देखा, देख लो भी एंगल कम होता जा रहा है क्या। पहले अगर मान लो 60 डिग्री था तो थोड़ी देर बाद हो सकता है ये 20 डिग्री हो गया, देखा एंगल, अगर एंगल कम हो रहा है मैं लिख देता हूँ, अगर एंगल कम हो रहा है इसका मतलब वेलोसिटी कम हो रही, वेलोसिटी कम हो रही तो इसको मैं क्या बोलूंगा, रिटार्डेशन। सही बात है, बढ़िया नोट करो। और जो मैं ग्राफ बता रहा हूँ ये मैक्सिमम है या मिनिमम ग्राफ है, मिनिमम है, कम से कम इतने पता होने चाहिए, अभी बहुत सारे और मिलेंगे क्या ग्राफ, बहुत कुछ मिलता रहेगा, बेसिक यही है, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो। एक्स हाँ कह दो एक बात है, तो आज मैं सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ राइट, नेक्स्ट क्लास में वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो मेरा बड़ा सिंपल सा रूल है, आज जो पढ़ाऊं भाई उसको अच्छे से अगली क्लास तक पढ़ करके आना, तभी क्लास में परफॉर्म कर पाओगे, तभी समझ में आएगा क्या बताया जा रहा है। और हमेशा अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, राइट रॉन्ग से कोई फर्क नहीं पड़ता, अटेम्प्ट करो सीख जाओगे। इनिशियल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि तुम अगर अटेम्प्ट करते रहोगे तो सबके साथ रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, अगर तुम बैठ गए तो तुम बैठ जाओगे बाकी लोग आगे बढ़ जाएंगे, फिर क्या फीलिंग आती है, पीछे रह गए। सही बात बोली, फिर मैं सोचता था कि मेरे साथ वाले सब आगे निकल गए मैं पीछे रह गया, इसलिए हमेशा अटेम्प्ट करते रहो, जिसके दिमाग में जो आइडिया है बोलो सर ऐसे करो वैसा करो कुछ भी बोलो, बोलते रहो मगर लॉजिकल बात, लॉजिकल बात, जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटेंशन है, जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आए तो हमसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इलॉजिकल तरीके से नहीं, कोई ऐसा लॉजिक जो फिट होता हो। जैसे तुमने क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ बोला, तुमने कहा मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे तो क्वेश्चन नंबर ग्राफ नंबर 4 में क्या दिख रहा है, एक्स बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, एंगल से मैंने पहचाना वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी से मैंने पहचाना एक्सेलरेशन है, बट मैं ये नहीं पहचान पाया कि एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है या वेरिएबल है। नोटिस करा ना, एग्जाम में ऑप्शंस आएंगे ऐसे फंसाएंगे तुमको। ग्राफ 4 इज एक्सेलरेटेड मोशन बट वी डोंट नो वेदर एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट और वेरिएबल। ग्राफ 4 पक्का एक्सेलरेटेड मोशन है, और दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, आज मैंने आइडिया दिया था, कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल। तो अभी मैं कौन सा पढ़ा रहा हूँ, कॉन्स्टेंट, फिर इसके कॉन्स्टेंट की प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर कौन सा पढ़ाऊंगा, फिर वेरिएबल कराऊंगा। ठीक बात है ना, मतलब एक कॉन्सेप्ट जब बिल्कुल क्लियर हो जाए तभी दूसरे कॉन्सेप्ट पे बढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर डाउट क्रिएट होता है। ग्राफ 5 में मुझे क्या दिख रहा है, एक्स बढ़ रहा है, जहां तक दिख रहा है वहां तक बढ़ रहा है, उसके बाद पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ पूछा नहीं क्या करूँ, एक्स बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, स्लोप या एंगल घट रहा है। देखो मैंने एक डायग्राम बनाया 60 डिग्री, फिर थोड़ी देर बाद कितना एंगल हो गया, हो सकता है टॉप तक पहुंचते पहुंचते 0 डिग्री हो जाए, अगर एंगल कम हो रहा है तो स्लोप कम हो रहा है, इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। तो अगर तुम कह रहे हो एंगल कम हो रहा है तो वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है इसका मतलब मैं एक्सेलेरेटर घुमा रहा हूँ या ब्रेक लगा रहा हूँ, तो रिटार्ड हो रहा है, एक्सेलरेशन भी कम हो रहा है। नहीं नहीं अलग बात है, एक्सेलरेशन अलग बात है, रिटार्डेशन अलग बात है। एक्सेलरेशन का मतलब जो स्पीड बढ़ाए सिंपल शब्दों में, और रिटार्डेशन का मतलब जो स्पीड कम करे, एक्सेलरेशन अलग बात है, रिटार्डेशन अलग बात है। सबके दिमाग में क्लियर है ना, मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, स्कूटी चला रहा हूँ मैं, स्कूटी में राइट साइड में एक्सेलेरेटर समझते हो, अगर मैं एक्सेलेरेटर को घुमाऊंगा तो स्पीड बढ़ती चली जाएगी, रेड लाइट दिख गई तो मैं ब्रेक लगाऊंगा, तो जब ब्रेक लगाऊंगा तो वो रिटार्डेशन है, जब एक्सेलेरेटर घुमाऊंगा तो एक्सेलेरेशन है। एक्सेलेरेशन का सिंपल शब्दों में मतलब है स्पीड ज्यादा होना, रिटार्डेशन का सिंपल शब्द में मतलब है धीमी हो रही है स्कूटी हमारी, धीमी हो रही है, रुकने वाली है, मतलब
स्पीड कम हो रही है, ठीक है ना। आई होप सारे ग्राफ सबको क्लियर है, ठीक है। तो दो ग्राफ मैंने तुम लोगों को आज सिखा दिए, पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो कॉन्सेप्ट मैंने बहुत क्लियर बोले, स्लोप क्या देगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, एक्सेलरेशन, वेरी गुड। एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। मॉड ऑफ एरिया क्या देगा, डिस्टेंस, क्लियर है। फिर मैंने एक्सटी ग्राफ में क्या बताया, एरिया क्या देगा, कुछ नहीं। मैंने ये भी बताया एरिया कुछ नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। स्लोप देगा वेलोसिटी। वन का मतलब क्या है, रेस्ट। मैं कौन से ग्राफ की बात कर रहा हूँ जो दिख रहा है मुझे, पोजीशन टाइम ग्राफ का। वन का मतलब रेस्ट, टू का मतलब नॉट पॉसिबल और इम्पॉसिबल। रीजन समझ में आ रहा है ना, रट्टा मत लगाना, लॉजिक से करना, मैं भी क्वेश्चन दूंगा करने को। थर्ड क्या कहता है, एंगल सेम तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी को थोड़ा स्टाइल में मैंने क्या बोल दिया है, यूनिफॉर्म मोशन, सिंपल शब्दों में वेलोसिटी कॉन्स्टेंट। फोर्थ का क्या मतलब है, एंगल, फोर्थ का एंगल, बेटा बोलो, जिसको जो समझ में आ रहा है बोलो, बैठो नहीं बोलते रहो। फोर्थ में एंगल इंक्रीज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है। लास्ट मैंने बताया फाइव, एंगल कम हो रहा है तो वेलोसिटी कम हो रही है तो रिट्रैक्शन। मान लो तुमको एंगल वाली बात नहीं समझ में आ रही तो बोलो, मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा, किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो, ठीक है। आगे बताऊं, लास्ट ग्राफ है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो जब भी मैं ग्राफ देखता हूं मैं दो बातें सोचता हूं, स्लोप एंड एरिया। तो यहां स्लोप किसके इक्वल होगा, ए बाई टी। किसे कोई आइडिया, ए बाई टी क्या होता है, बढ़िया, वेरी गुड। कुछ नहीं, मैं तो हर तरीके से क्वेश्चन पूछूंगा ना तुमसे, अगर मैं पूछो ए बाई टी क्या होता, जरूरी कुछ होता ही हो। इसका मतलब इस ग्राफ में मैं कभी भी स्लोप निकालने की कोशिश नहीं करूं। वैसे a by t को हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, बट हमारे काम की बात नहीं है, 99% क्वेश्चन में कभी नहीं लगता। तो मेनली मेरा फोकस कहां पर है, एरिया पे। एरिया मतलब a into t, एनी गेस a into t क्या होना चाहिए, हाँ बहुत बढ़िया, ध्यान देना, चेंज इन वेलोसिटी, राइट। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज इन वेलोसिटी। मैं फिर से बोल रहा हूं, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ डज नॉट गिव वेलोसिटी, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। मैं चेंज वर्ड बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। नॉर्मली स्टूडेंट बोलते हैं एरिया ऑफ एटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, फंस जाओगे क्वेश्चन में। चेंज इन वेलोसिटी मतलब मैं वी माइनस यू कहना चाह रहा हूँ क्या, या फाइनल वेलोसिटी माइनस, सही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने कोई ग्राफ वन बनाया, राइट, टू बनाया, थ्री बनाया, फोर बनाया। तो ग्राफ वन में तुम्हें क्या दिख रहा है, एक ऐसा है पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, टू में क्या दिख रहा है बताओ भाई, ग्राफ टू में तुम्हें क्या बात समझ में आ रही है, एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, टाइम सेम है, क्या कुछ आइडिया आ रहा है दिमाग में, बढ़िया, इम्पॉसिबल। मैं कहता हूँ दिमाग में आइडिया आना चाहिए, धीमे धीमे विद प्रैक्टिस सही आइडिया ज्यादा आएगा, गलत आइडिया बहुत कम आएगा, बट आइडिया आना चाहिए, ब्लैंक माइंड नहीं होना चाहिए बैठे हुए खाली, फिर तो पीछे रह जाओगे। और गलत आइडिया आ रहा कोई बात नहीं, रिफाइन हो जाएगा। थर्ड ग्राफ देख कर क्या दिमाग में आइडिया, इम्पॉसिबल, बहुत बढ़िया। रीजन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्राफ थ्री में प्रॉब्लम ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम मैंने ले लिया टी नॉट, उस टाइम पर, हाँ उस टाइम पर दो दो एक्सेलरेशन है क्या, ए वन बी और ए टू बी, एक टाइम पे दो एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, एक ही एक्सेलरेशन होगा। तो थर्ड ग्राफ इम्पॉसिबल क्यों है, टू एक्सेलरेशन एट सेम टाइम, टू एक्सेलरेशन एट सेम टाइम नॉट पॉसिबल। बात लिखी, बहुत बढ़िया।
फोर्थ देखकर क्या दिमाग में आइडिया आ रहा है? नेगेटिव एंड कांस्टेंट, ठीक है? मैं एक स्टेटमेंट और देना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगी। एक मिस कॉन्सेप्ट है, तुम लोग देख लो तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही है या नहीं। जनरली बच्चे ऐसा मानते हैं ए पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन, ए नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन। ज्यादातर बच्चे यही मानते हैं, मैं कुछ और बोलने वाला हूँ, ठीक है ना? इसके अलावा वो नाइन्थ तक की बात थी, इलेवेंथ में नहीं चलेगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। ज्यादातर बच्चे मानते हैं ए पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन, ए नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन। जनरली ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताऊं क्या होता है? Yes. इसको नोट करो कि बता। इसका मतलब मैंने क्या बोला था, नाइन्थ की इम्प्रूव्ड फॉर्म है क्या इलेवेंथ? कॉन्सेप्ट धीमे धीमे मैं बढ़ाता जाऊंगा, तुमको बस ध्यान से सुनते जाना मैंने क्या बात बोली है। ध्यान से नहीं सुनोगे, अपना कॉन्सेप्ट लगाओगे, तो फिर बाद में तुमको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। मैं कुछ बोलूंगा, सुनना भी ध्यान से, सही बोल रहा हूँ या नहीं सुनना, मेरी बात को ध्यान सुना करो ना, बोला करो सर देखो ये चीज गलत है, बट पहले सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनना फिर बताना लॉजिकल लग रहा है या नहीं लग रहा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव में तो अंदर की बात पूछता है ना, ऊपर की बात थोड़ी नहीं पूछता कॉम्पिटिटिव में। अंदर की बात में समझ में आया ना, बढ़िया कॉन्सेप्ट, बढ़िया कॉन्सेप्ट होगा तभी कर पाओगे, नहीं तो गलत कॉन्सेप्ट लगाओगे पहले ही ऑप्शन मैच हो जाए। मैं भी टेस्ट लूंगा देखना, तुमको सोचोगे पहले ही ऑप्शन मिल जाएगा, तुम्हें मालूम गलत होगा, तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहोगे नहीं सर इसका आंसर तो यही है। फिर जब मैं डिस्कस करूंगा तुम कहोगे नहीं सर आंसर तो ये नहीं कुछ और है, तब मानोगे। इसका थोड़ा ओपन माइंडेड बैठते हैं ना, जो तुम बोलोगे मैं सुनूंगा, जो मैं बोलूंगा तुम सुनोगे, तो क्लैरिटी आएगी थॉट में। अगर तुम कुछ पूछते हो तो मैं ध्यान से सुनता हूँ, फिर उसके लिए कुछ रिस्पॉन्स देता हूँ कि देखो भाई ये एग्जाम्पल है, तुम्हारी बात को सुनने के बाद जो एग्जाम्पल, तो ध्यान सुनो कि एग्जाम्पल क्यों दिया है, कुछ बताना चाह रहा हूँ। जैसे एक टाइम पे दो एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, इसलिए ग्राफ थ्री नॉट पॉसिबल। अभी एक बेसिक आइडिया तुम्हारे दिमाग में डाला मैंने, अब हो सकता है इससे वीटी ग्राफ पे क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है इससे एक्सटी ग्राफ पे क्वेश्चन आ जाए, तो ये आइडिया तुमको हेल्प करेगा अगली बार। तो 11 12th के तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फिजिक्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग। हर केस में ऐसा आएगा तो वो हमेशा, मतलब मैं बोलता हूँ जो मैं बोलता हूँ वो यूनिवर्सल होता है, मतलब कभी वो बात बदलूंगा नहीं मैं, एक्सेप्शन नहीं आता फिजिक्स, ये बोलना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ लगेगा बाकी जगह नहीं लगेगा, यूनिवर्सल है वो। चलो बताओ मैं क्या बताना चाह रहा था। यस सर, अगर यहाँ तक की बात क्लियर हो सबको, तब मैंने तुम्हें वो तीन ग्राफ बताया, एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ एंड एटी ग्राफ। अब मैं तुम्हें दिमाग से एक दो मिस कॉन्सेप्ट को दूर करना चाहता हूँ। जनरली लोग कहते हैं ए पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन, ए नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन। दिस इज 99% करेक्ट, 100% नहीं मैंने बोला। इसके अलावा जब कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ ये सारे कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे, ठीक है? बताऊँ मैं? Yes. देखना ध्यान से, मैंने कुछ नोट लिखा है, पहले समझना ये नोट सही है या गलत है। मैंने लिखा इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव सेम साइन, इफ वी एंड ए हैव सेम साइन देन स्पीड मस्ट इंक्रीज। कुछ अजीब लग रहा है या लॉजिकल लग रहा है? मैंने बोला v और a के अगर सेम साइन है तो स्पीड क्या होगी? इसका मतलब देखो मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने v लिखा और a लिखा, अगर v पॉजिटिव और a पॉजिटिव तो स्पीड पक्का क्या होगी? अप। स्पीड तो नेगेटिव कभी होती ही नहीं, स्पीड तो हमेशा ही पॉजिटिव होगी। अगर v नेगेटिव और a नेगेटिव तब भी स्पीड अप, सोच लो। और मैंने बोला था जब भी स्पीड अप होती है तो उसको मैं क्या बोलता हूं? एक्सेलरेशन, ठीक है? ठीक है, अब तुम लोग देख लो, तुम लोगों को मिस कॉन्सेप्ट मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो पता है या कुछ और पता है? एक मिस कॉन्सेप्ट होता है लोगों के दिमाग में कि बॉडी ऊपर जा रही है तो जी नेगेटिव है, बॉडी नीचे जा रही है तो जी पॉजिटिव है। ऐसा कुछ नहीं होता,
सुनना मेरी बात ध्यान से, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, मैं सही कॉन्सेप्ट बताऊं क्या होता है? लॉजिकली yes, सोचना पहले, मैंने सही बोला नहीं। अगर एक बॉल को हम अपवर्ड थ्रो करेंगे, बॉल ऊपर जा रही है तो अर्थ फोर्स किधर लगा रही है? नीचे की तरफ, मानते हो? yes. अगर एक बॉल नीचे आ रही है तो अर्थ फोर्स किधर लगा रही है? yes. नीचे, तो अर्थ फोर्स हमेशा नीचे ही लगाती है। सोच लो मेरी बात, yes. क्या अर्थ फोर्स हमेशा नीचे लगाती है? तो क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लगती है? yes. अजीब लगा, लॉजिकल लगा यहाँ तक की बात? चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे बॉल नीचे जाए, बॉल का मोशन इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्थ ऑलवेज एग्जर्ट फोर्स डाउनवर्ड। अगर फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हमेशा डाउनवर्ड लगेगी। तो अपना नाइन्थ वाला कॉन्सेप्ट छोड़ देना। मैंने क्या बोला था, वो कॉन्सेप्ट कब चलते हैं? एक सर्टेन लेवल तक चलेंगे, उसके बाद वो सब कॉन्सेप्ट फेल हो जाएंगे। मतलब मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जहां पर तुमको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो मैं स्केलर फॉर्म में पढ़ाऊंगा या वेक्टर फॉर्म में? ठीक, तो मैं फिर से बोलता हूँ, एग्जांपल देखो ध्यान से। मैंने क्या दिया था, एक बॉल ऊपर जा रही है और फिर नीचे आ रही है। ध्यान सुनना, समझ में आएगा तुम्हें मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक, मान लो इस बॉल को मैंने फेंका 30 मीटर पर सेकेंड से, ठीक, तो क्या हाइएस्ट पॉइंट पे वी जीरो होगा? yes, और एक्सेलरेशन कितना होगा? 9.8। प्लस में या माइनस में? मतलब एक रूल होता है, अपवर्ड को हम प्लस जे कैप बोलते हैं, डाउनवर्ड को माइनस जे कैप। तो हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लग रहा है? हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। इसका मतलब अगर तुम ए टू बी सोच रहे हो, ध्यान सुनना, अगर ए टू बी सोच रहे हो तो ए की वैल्यू कितनी है मेरी? -9.8 जे कैप, ठीक है, और वेलोसिटी कितनी है? 30, 20, 10 ऐसा कुछ हो रही होगी। तो पॉजिटिव है या नहीं है? तो ए और बी के साइन कैसे हैं? तो अगर ए और बी के साइन सेम थे तो मैंने क्या बोला था, एक्सेलरेशन स्पीड अप। अगर वी पॉजिटिव ए नेगेटिव या वी नेगेटिव ए पॉजिटिव, अब इस वाले केस में क्या होगा? स्पीड कम होनी चाहिए। बताओ भाई, ठीक बात है? अभी वो भी डिस्कस करूंगा, देखते जाना बस। ध्यान सुनते जाओ मैं जो बता रहा हूं। तो ए टू बी अगर देखा जाए तो ए टू बी वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। और ए कैसा है? तो सेम साइन है या अपोजिट? अपोजिट में क्या होगा? रिटार्ड। तो रिटार्ड हो रही है, नहीं हो रही बॉल? जब ऊपर जाती है तो धीमी हो रही होती है। अब मैं चाहता हूँ सी टू डी, ध्यान से देखो, बॉल नीचे आ रही है क्या? तो अगर बॉल नीचे आ रही है तो वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव। किसी को कन्वेंशन नहीं पता ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं प्लस जे कैप, नीचे वाले क्या बोलते हैं? माइनस जे कैप। राइट वाले क्या बोलते हैं? प्लस आई कैप। लेफ्ट वाले को जो तुम लोग टेंथ में पढ़ते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्स वाई। बस एक्स को मैं आई बोलता हूँ, आई कैप, और वाई को जे कैप। तो सी टू डी वेलोसिटी नीचे की तरफ है क्या? नेगेटिव। और ए कैसा है? ए भी तो नेगेटिव है, ए तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, मैंने बोला। तो क्या इस बार C to D A और V दोनों नेगेटिव हैं? तो स्पीड अप या स्पीड डाउन? स्पीड अप। बस नोट कर लो, ये कॉन्सेप्ट है, सेम साइन है ना, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे बॉल नीचे जाए, हमेशा ये कितना होगा? -9.8 जे कैप। वेक्टर फॉर्म में मैंने बोला, ध्यान रखना। अब मैं वेक्टर फॉर्म सिखा रहा हूं। वेक्टर फॉर्म क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि अभी ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे जहां पर हम क्या करेंगे, एक बलून के अंदर बैठे हुए और बॉल को फेंक दिया, बॉल को ऊपर फेंका तो बॉल ऊपर भी जाएगी और नीचे भी जाएगी। ठीक बात है ना? तो उसका मतलब उसमें हमें दोनों चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे आसान तरीका है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म से कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होते। ठीक है, नोट कर लो। आई होप नोट सबको समझ में आ गया। मैंने नोट में क्या बोला था, इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव सेम साइन देन स्पीड मस्ट इंक्रीज। और नोट टू में मुझे क्या लिखना चाहिए, इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव ए हैव अपोजिट साइन देन स्पीड मस्ट डिक्रीज। इसको सिंपल शब्दों में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं,
रिटार्डेशन। इसके हमेशा ही अगर वर्टिकल की बात कर रहे हैं तो हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल में पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, क्वेश्चन बताएगा। तो अगर तुम लोग बहुत ध्यान से देखो, अगर इन केसेस को देखो ध्यान से, जहां पे मैंने लिखा ए बी सी एंड डी, तो ध्यान दे रहे हो, ए केस में एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव स्पीड अप, और डी केस में ये कैसा है, डी वाले केस में पॉजिटिव, और तब भी बॉडी क्या हो रही है, रिटायर्ड हो रही, नहीं हो रही है ना। तो अगर तुम मुझसे कॉन्सेप्ट पूछोगे तो मैं बोलूंगा ए पॉजिटिव मे बी एक्सेलरेशन, ए पॉजिटिव मस्ट बी एक्सेलरेशन इज रॉन्ग। ठीक बात बोली, अगर ए पॉजिटिव है तो बॉडी इज एक्सेलरेट हो रही है, इट्स ओके, हो सकता है ऐसा, बट अगर तुम बोलोगे ए पॉजिटिव मीन्स पक्का एक्सेलरेट हो रही है तो गलत है, फिर वो गलत है, मे बी तो ठीक है, मस्ट भी गलत है। तो सही कॉन्सेप्ट क्या है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन सेम होने चाहिए, ये तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। तो अगली क्लास में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अगली 2-3 क्लास में देखना, जहाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत हेल्पफुल रहेगा। सर क्या इसका वाइस वर्सा ट्रू है, दोबारा बोलना बेटा। सर मैं ये पूछ रही थी इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो हम क्या कह सकते हैं कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दे बोथ हैव, बिल्कुल सही, वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, वाइस वर्सा आल्सो ट्रू, ठीक है, ओके सर। अगर ए पॉजिटिव तो स्पीड में इंक्रीज मैंने बोला है, ठीक है ना, अगर वी और ए के साइन सेम है देन स्पीड मस्ट इंक्रीज, आइदर बोथ नेगेटिव और बोथ पॉजिटिव। मैंने क्या बोला था, कॉम्पिटिटिव में ऊपर का नॉलेज काम आता है या अंदर का, तो मैं ऐसे क्वेश्चन बनेंगे अभी देखने, सीबीएसई में भी जिनके स्कूल में अच्छा पेपर बनाते हैं वहां पर ये कॉन्सेप्ट पूछते हैं, ये तो एनसीईआरटी की लाइन है जो मैंने बोला है, दिखाता हूँ बस इसको नोट करो, मैं दिखाता हूँ एनसीईआरटी की लाइन, मैंने बोला इफ वी एंड ए हैव अपोजिट साइन देन स्पीड मस्ट डिक्रीज, मतलब रिटार्ड मस्ट डिक्रीज। जब कहीं पर भी कोई कुछ स्टेटमेंट रीड करो और डाउट आए तो मुझसे वो स्टेटमेंट पूछना, मैं उसको समझाने के लिए कोई एग्जांपल दूंगा। तो जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखा वो डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखा या एग्जांपल दिया, मैंने एग्जांपल दिया कि अगर बॉल ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, बॉल नीचे आ रही है तो वेलोसिटी नेगेटिव है, ए हमेशा नेगेटिव है -9.8 जी का वर्टिकल वर्टिकल का एग्जांपल दिया। आइंस्टाइन ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, शायद मैंने तुम्हें बताया था कि अगर 1000 एक्सपेरिमेंट प्रूव करते कि मेरी थ्योरी राइट है और एक एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि मेरी थ्योरी रॉन्ग है तो मैं आई एम रॉन्ग, सही बात है ना, तो किसी एक एग्जांपल ने अगर गलत प्रूव कर दिया तो फिर गलत है, बट वो एग्जांपल सोचना पड़े। तो जब भी मैं किसी थ्योरी के सपोर्ट में बोलूंगा तो मैं तो ऐसा एग्जांपल सोचूंगा जो उस थ्योरी को हेल्प कर रहा हो तुम्हें समझाने में, कभी कोई ऐसा एग्जांपल मिल जाए जो उस थ्योरी को फिल कर रहा हो तो मुझे बताओ, मैं भी सोचूंगा उसके बारे में कहां ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो मैं वो एनसीईआरटी की लाइन दिखाऊं क्या बोलना चाह रहा हूं, सबके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, आई हो नहीं, अभी देखते हैं चैप्टर 3 बैटरी बेटा जाने वाली, बस जल्दी से मैं दिखा देता हूँ, इसके लैपटॉप की बैटरी जाने वाली है, बस जल्दी से ये क्वेश्चन देख लूँ। क्वेश्चन नंबर 3.11 दिख रहा है, yes, sir. उसका मैं डी पार्ट चाहता हूँ देख लू, जल्दी से ये कर लो बेटा, फिर लैपटॉप की बैटरी जाने वाली है, आपको दिखा है ना, ठीक है ना, आप ए बी सी डी जल्दी से देख ले,
जितने बन सकते बना देता हूँ with zero speed at instant may have non zero acceleration ball ko fekko highest point par yes, highest point pe velocity kya thi zero but acceleration to 9.8 tha yes sir. vector mein minus 9.8 j cap yes to pehla true hai ya false hai true. true second zero speed may have non zero velocity false agar speed zero to pakka velocity to zero hogi third with constant speed must have zero acceleration ye thoda acha question hai अगर स्ट्रेट लाइन में तो ट्रू अगर सर्कल में तो फॉल्स तो अभी सर्कल पढ़ाया नहीं है जब पढ़ाएंगे तब डिस्कस करेंगे सी वाले ऑप्शन के लिए मैंने बोला है स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन जीरो बट अगर सर्कल में घूम रहे हो तो ये फॉल्स हो जाएगा हमारे ऊपर एग्जाम्पल में बोला है अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन बोला है yes, देखो यानी ये क्वेश्चन किस सेंस में बात करी गई है तो ट्रू या फॉल्स लग रहा है लास्ट विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीड अप सही बात बोली ठीक है ना आई होप सबको अच्छे समझ में आया तो आज इतना करते लैपटॉप की बैटरी जाने वाली मेरी तो नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा जो भी आज मैंने पढ़ाया ग्राफ पे और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस कराऊंगा तो अच्छे से पढ़ करके आप ठीक है बेटा ओके सर थैंक यू